देश भर में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों से लेकर घर तक दियों और लाइटों से सजे हुए हैं। दिवाली के इस पावन मौके पर हर कोई घर आने वाली मां लक्ष्मी का इंतजार कर रहा है। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी स्वागत को हर साल लोग दिवाली के त्योहार के रूप में मनाते हैं, इसलिए दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। सुख समृद्धि की कामना के लिए भी दिवाली से बढ़कर कोई त्योहार नहीं है। यही वजह है कि दिवाली को भगवान विष्णु की पत्नी और उत्सव धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दिवाली वो दिन है जब लक्ष्मी जी ने अपने पति के रूप में विष्णु जी को चुना था और फिर उनसे शादी की थी, इसलिए दिवाली के दिन लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी का घर पर आगमन करने के लिए लोग घर के बाहर मुख्य रूप से रंगोली बनाते हैं, साथ ही पूरे घर को दीपों से सजाकर मां लक्ष्मी का आगमन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं और हर उस व्यक्ति से प्रसन्न रहती हैं जो दिवाली पर उनकी पूजा करते हैं। इससे हर व्यक्ति के घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर की पूजा करते हैं। वहीं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद खील और बतासे का प्रसाद बनाकर एक दूसरे को बांटते हैं। दिवाली की पूजा जितनी खास होती है, इसका मुहूर्त भी उतना ही खास होता है। पंचांग के अनुसार इस साल दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:09 से शुरू होकर रात के 8:20 तक का है। माना जाता है कि दिवाली की पूजा के इस शुभ मुहूर्त पर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और घर घर जाकर ये देखती हैं कि किसका घर साफ है और किसके यहाँ पर विधि विधान से पूजा हो रही है, और उसी घर पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।